नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज मिलते हैं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के साथ। जी आई जी मैम, आपका नाम? आशा इंसा। आप कहाँ से हैं मैम? गाजियाबाद से। मैम गाजियाबाद से हैं, आपका नाम आशा है। मैम आप डेरा सच्चा सौदा जाते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, कितना समय हो गया आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? 18-19 साल हो गए। आप इतने लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा जाते हैं, जैसा कि आजकल गुरुजी और डेरा सच्चा सौदा मीडिया की बहुत सुर्खियों में है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी। तो मैम आप बता पाएंगे कि डेरा सच्चा सौदा में क्या रहता है, मतलब क्या करते हो आप लोग डेरा सच्चा सौदा जाके? वहाँ जाके हमें गुरुजी अच्छे अच्छे कार्य करने सिखाते हैं, मतलब बताते हैं, और जो है मानवता भलाई के काम होते हैं, वेश्याओं को जो है बेटी बनाया जाता है, और जो है नेकी भलाई के जैसे फूड बैंक हुए, ब्लड डोनेशन हुआ, ये सब कार्य वहाँ चलते हैं। हमें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ कि कभी कुछ गलत हुआ हो। जी आप जैसे कि बता रहे हैं कि वहाँ पे मानवता भलाई के कार्य होते हैं जो कि लोगों के हित के लिए होते हैं, तो मैम जैसे कि मीडिया में तो कुछ अलग ही दिखाया गया था, तो मैम आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सब सारे ही गलत हैं, गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं, और ये जो दिखाया गया ये तो मीडिया का ही एक प्रकार से समझ लो उनका षड्यंत्र है। हमारे गुरुजी बिल्कुल पाक साफ हैं, ऐसा कभी हमें कोई महसूस नहीं हुआ। हमारी भी बेटी है, हमारा भी बेटा है, हम फैमिली के साथ पूरे जाते हैं हमेशा, जब भी कोई सत्संग होता है हमें तो कुछ हाथ तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा वहाँ पे। मैम जैसे कि हमें पता लगा कि डेरा सच्चा सौदा में, जैसे मीडिया में दिखाया गया कि डेरा सच्चा सौदा में जो गर्ल्स होते हैं, जो लेडीज़ होते हैं, वो सेफ नहीं है, आप एज अ लेडी एज अ वुमेन विंग आपको क्या फील होता है कि डेरा सच्चा सौदा आपके लिए सेफ है? बहुत ज़्यादा सेफ है, ऐसा तो आज तक कोई संस्था बनी ही नहीं है। हमारे डेरे जैसा तो कुछ भी कहीं है भी नहीं, और हम लोग को तो कभी जैसे कि सेफ ही महसूस होता है, कभी जाके वहाँ अनसेफ नहीं होते हम लोग। मैम जैसे कि आज गुरुजी आपके जो गुरुजी हैं समाज में नहीं है, लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आपको उनकी कमी महसूस होती है समाज में? क्या उनको उनकी ज़रूरत है समाज को? समाज को तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये समाज में इतनी गंदगी फैली हुई है, जब तक वो ना रहेंगे, ये सब नशा है और बहुत से कार्य हैं कि ऐसे हैं फैले हुए हैं, और हम लोग को तो कभी हमारे अंग संग हमेशा हैं, कभी महसूस वैसे होती ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी हमारे पास होने चाहिए डेरे में। मैम आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? हमें तो हमारी यही अपील है कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, उनको हमारे डेरे में भेजा जाए बस। देखिए दोस्तों ये है डेरा सच्चा सौदा का सच, जो कि हम फैक्ट आई के चैनल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं।